हेलो एंड वेलकम बैक टू 5.0 रिसर्च सेंटर। माय नेम इज़ मुकेश यादव एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एग्रोफोरेस्ट्री अगेन। एग्रोफोरेस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर होगा, अपना लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद में हम सिल्वीकल्चर का जो थ्योरी कवर कर चुके हैं, तो सिल्वीकल्चर का ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, देन वी विल गो फॉर फॉरेस्ट मैंचुरेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और एन्जॉय कर रहे होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्योंकि कनेक्टिविटी एक तो कम रहेगी, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है उसी से काम चलाएंगे। आज नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है वैशाली में, आई मीन वैशाली नगर जयपुर। वन सेकेंड, लेट मी चेक प्रॉपर सिग्नल आ रहे हैं नहीं आ रहे, वीडियो साउंड प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। लेट्स कम टू द टॉपिक। सो क्वेश्चन आंसर सेशन का सिक्स पार्ट नंबर सिक्स और फॉरेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री का लेक्चर, लास्ट लेक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, अराउंड 250 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, आई मीन नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीडलेस वेराइटी इन ल्यूकेसियाना। सीडलेस वेराइटी इन ल्यूकेसियाना विच ऑफ, देखिए यहाँ पे कोडिंग की बात की जा रही है, और कौन से कोड की बात की जा रही है, जेनेटिकल कोड्स की बात की जा रही है। तो विच इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर सीडलेस वेराइटी। जैसे हमने मैंगो में सीडलेस वेराइटी है, सिंधु सीडलेस वेराइटी है, ऐसे ही अदर फ्रूट प्लांटेशन में या अदर प्लांटेशन में। सेम एज यहाँ पे पूछा गया है कि ल्यूकेसियाना में सीडलेस वेराइटी इस, सो की आई एक्स दैट मीन्स किक्स, किक्स इज ए सीडलेस वेराइटी इन ल्यूकेसियाना। ल्यूकेसियाना कॉमन ट्री स्पीसीज है, राजस्थान में भी ग्रो होती है, ऑल ओवर इंडिया में ये ग्रो होती है, एक्सेप्ट किस किस को अगर हम बात करें, टेम्परेट जोन और कोस्टल जोन को छोड़कर। गॉट इट? सो योर आंसर विल बी सेकेंड, योर आंसर विल बी सेकेंड किक्स, प्लीज रिमेंबर इट। वैसे ही नेम याद रहने वाला है किक्स के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द स्पेसिंग फॉलोड इन हाई डेंसिटी कैजुएरिना प्लांटेशन। सो यू नो वेरी वेल अबाउट कैजुएरिना। कैजुएरिना की जो लीव्स कैसे होती हैं, लाइक केस स्ट्रक्चर, लाइक थ्रीडिंग लाइक जो लीव्स होती हैं। सो कैजुएरिना में स्पेसिंग क्या स्पेस फॉलो करते हैं, 0.5 to 0.5, दैट मीन्स प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस वुड बी 0.5, एंड रो टू रो स्पेस वुड बी ऑल्सो 0.5। गॉट इट? सो योर आंसर विल बी फर्स्ट, योर आंसर विल बी फर्स्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, एले क्रॉपिंग वॉज इंट्रोड्यूस बाई विच ऑर्गेनाइजेशन। एले क्रॉपिंग वॉज इंट्रोड्यूस बाई विच ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज ICRAF, सेकेंड वन इज ITTA, थर्ड वन इज ITTO, और सॉरी सेकेंड वन इज ITA, थर्ड वन इज ITTO, और फोर्थ वन इज FAO। सो विच वन इज योर आंसर? माई आंसर इज सेकेंड, ITTA। सो वॉट इज द मीन ऑफ ITTA? बाकी की फुल फॉर्म एग्रो फॉरेस्ट्री, फर्स्ट वन फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, और लास्ट वन की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ITT की फुल फॉर्म, ITA की फुल फॉर्म क्या होती है उसके बारे में चलिए बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, विच योर आंसर विल बी सेकंड, योर आंसर विल बी सेकंड, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट फुल फॉर्म ऑन द लोकेलिटी ऑफ ITA। गॉट इट? सो क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज सुटेबल फॉर सेंट्रल रो इन विंड ब्रेक। सो सेंट्रल रो इन विंड ब्रेक, देयर इज है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट विंड ब्रेक, नॉट शेल्टर बेड। सो विंड ब्रेक की सेंट्रल रो की अगर बात करें तो उसमें कौन सी स्पेसीज सूटेबल है। देखिए यहाँ पे मैंने विद पिक्चर फ्रेम करने की कोशिश की कि आप लोग कभी भूले ना, और माइंड में एक अगर बात करें हमारे माइंड में पिक्चर फॉर्मेट में ज़्यादा
या लॉन्ग टाइम तक क्या रहता है, स्टोर रहता है। हमने अगर किसी की बात की, मैंने बोला ताजमहल, सो आप लोगों के माइंड में ताजमहल की पिक्चर आई होगी ना, कि एक्चुअल के अगर ताजमहल की बात करें तो दी ताजमहल होता है एक्चुअल वर्ड। अगर नेम की बात करें तो दी ताजमहल होता है बिकॉज दिस इज़ ए यूनिक। ओके, सो ताजमहल आप लोगों के माइंड में पिक्चर आई होगी ताजमहल। वैसे ही मैंने बोला नरेंद्र मोदी, तो मोदी पिक्चर आई होगी। वर्ड में मैंने नरेंद्र मोदी बोला है, वट एवर, इससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन इस सेम एज इट इज अगर हम बात करें तो हमारे माइंड में 99%, जो सबकॉन्शियस माइंड में 99% फॉर्मेशन जो होता है, या 99% जो डेटा होता है, वह पिक्चर फॉर्मेट में होता है। ऑलवेज किस फॉर्मेट में होता है? पिक्चर फॉर्मेट में। गॉट इट? चलिए बात करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे पिक्चर रखी कि आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक समझ में, आप भूले नहीं, और वो एग्जाम में, आप अदर किसी एग्जाम में भी आप इजीली आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज सुटेबल फॉर सेंट्रल रोइन विंड ब्रेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑल स्पीसीज आर सुटेबल। फर्स्ट वन इज एकेसिया निलोटिका, बबूल आपने देखा ही होगा, राजस्थान का मोस्ट ट्री प्लांटेशन है। सेकेंड की बात करें एलबीजिया लेबेक। अगर एलबीजिया लेबेक की, ये बचपन में हमने क्या, जब स्कूलिंग में जाते थे, मैंने गवर्नमेंट में तो खैर कम ही गया है, लेकिन जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास में जब मैं गवर्नमेंट में गया था, तब इससे हवास वो पंखे बनाकर खेला करते थे। इस अगर बात करें एलबीजिया लेबेक जो स्पीसीज के फ्रूट से और इसका फल फल जो होता है फल से नॉट हाँ सॉरी फ्रूट से नॉट सीड से, ठीक है। सेकंड अगर बात थर्ड बात है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस हाईली ड्रेनेज ट्री स्पीसीज, ये अगेन हम देखते हैं। तो तीनों जो स्पीसीज हैं वो सूटेबल है फॉर मिड रो सेंट्रल लो ऑफ विंड ब्रेक। गॉट इट? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सो योर आंसर विल बी फोर्थ, योर आंसर विल बी फोर्थ। नाउ अगेन अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, आई मीन लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, एलेक्रोपिंग वॉज इंट्रोड्यूस बाई विच ऑर्गेनाइजेशन। एलेक्रोपिंग किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, तो अगर इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था, तो वॉट इज द मीन ऑफ IIT ए फुल फॉर्म, और LA क्रॉपिंग इंट्रोड्यूस की गई है IITA ऑर्गेनाइजेशन। वॉट इज द मीन? द IITA फॉरेस्ट यूनिट एट द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, द फर्स्ट आई मीन्स इंटरनेशनल, अगेन आई मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, हेडक्वार्टर इन इबादान नाइजीरिया। नाइजीरिया में इसका हेडक्वार्टर है जिसने एले क्रॉपिंग को इंट्रोड्यूस किया। और व्हाट इज़ द मीन ऑफ एले क्रॉपिंग? एले क्रॉपिंग में हम जो प्लांट्स होते हैं उसकी रो, प्लांट टू प्लांट एक रो मेंटेन की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर स्पीसीज, अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज बेसिस पे रो टू रो, प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होती है मेंटेन की जाती है, उसके बीच में जो पार्ट में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की जाती है। व्हाट इज मीन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज? मीन ऑफ सीरियल क्रॉप बोई जाती हैं, लाइक मे बी लाइक राइस हो सकता है, गेहूं हो सकते हैं, वॉट एवर, ठीक है। लेकिन इसमें मैनेजमेंट किया जाता है, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो जो प्लांट का मैनेजमेंट किया जाता है। इट वॉज सेटअप ऑन 1 जनवरी 2015 टू सक्सीड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट को सक्सीड करने के लिए इसको इनिशिएट किया गया था, स्टार्ट किया गया था। इट्स मिशन इज टू मैनेज एंड यूटिलाइज फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर कंजर्वेशन रिसर्च एंड एजुकेशन। सो इट वॉट वॉज द मिशन? अगर मिशन की बात करें, टू मैनेज एंड यूटिलाइज फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर कंजर्वेशन रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पस। गॉट इट? ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर, क्वेश्चन नंबर 56। स्पीसीज सुटेबल फॉर फ्रैंक रो, व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रैंक रो? फ्रैंक जो रो की अगर हम बात करें, तो फ्रैंक रो में कौन सी स्पेसीज सुटेबल है? सो यहाँ पे यू कैन सी ऑल द थ्री स्पेसीज, एकेसिया सेगेनॉल, इग्ना एडुलिस और केसिया स्पेसीज। केसिया स्पेसीज इज कॉमन इन राजस्थान एज वेल नॉर्थ इंडिया एंड एज वेल सेंट्रल इंडिया, एंड वी कैन से एकेसिया सेगेनॉल भी कॉमन स्पीसीज है फॉर सेंट्रल इंडिया के लिए।
Got it. But इग्ना एडुलिस मोस्टली ग्रो किया जाता है नॉर्थ इंडिया में और एज वेल सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में. गॉट इट. सो स्पेसिस सुटेबल फॉर फ्रेंक्रो इज ऑल स्पेसिस आर सुटेबल फॉर फ्रेंक्रो. योर आंसर विल बी फोर्थ. योर आंसर विल बी फोर्थ. सो ऑल स्पेसिस आर सुटेबल. एकेसिया सेंगडॉल इग्ना इडुलिस केसिया स्पेसिस ऑल स्पेसिस आर इम्पोर्टेंट. गॉट इट. स्पेसिस सुटेबल फॉर साइड रो इन विंड ब्रेक. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट इन लास्ट चैप्टर आई मीन इन लास्ट स्लाइड वी डिस्कस अबाउट सेंट्रल रो ऑफ विंड ब्रेक. नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट साइड रो ऑफ विंड ब्रेक. गॉट इट. साइड रो ऑफ विंड ब्रेक. Got it. So here all species are suitable. That means shrub species are suitable. अगर साइड रो की बात करें यहाँ पे herbs और shrubs वाली species suitable रहती हैं क्योंकि साइड रो में हमें जो plant होता है उसकी कम height वाले plants को preference दिया जाता है. Lower height वाले plants को preference दिया जाता है. That is why first one is Acacia jacqui monti. Acacia jacqui monti. Second one is grave species. Third one is prosopis juliflora. You know about very well prosopis juliflora. Rajasthan में भी mostly होता है. ठीक है. Prosopis category, Acacia category का आप first plant देख रहे हैं. Second अगर हम बात करें grave species, ये first अगर second बात करें, we second one is grave species. Let me clear. This one is grave species B, which is called grave. Agave species. This is agave. So ये plants आप road side में या along with the railway, across the railway or across the road side you can see very well. Okay. इसके अलावा आप city के nearby भी देख सकते हैं. Outer side of the city भी आप ये देख सकते हैं. Got it. So all species are suitable for side row of विंडब्रेक. ठीक है. क्योंकि इनकी लेंथ जो होती है ऑलवेज कम होती है. आपको अगर प्लांट प्रेफरेंस की बात करें तो लोअर हाइट वाले प्लांटेशन को प्रेफरेंस दिया जाता है. व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डेंसिटी ऑफ विंडब्रेक. ऑप्टिमम डेंसिटी ऑफ विंडब्रेक की जो विंडब्रेक की ऑप्टिमम डेंसिटी. व्हाट इज योर आंसर. 30 to 40, 40 to 60, 60 to 70 or more than 70. What is density of density. So देखिए अगर 70 की बात करें तो ये दिस इज कॉल्ड वेरी डेंस फॉरेस्ट. अगर हम कैटेगराइज बात करें इसको कैटेगराइज करें 40 टू 60 इट इज़ मीडियम डेंस फॉरेस्ट. लोअर देन 40% डेंसिटी इट इज कॉल्ड लोअर डेंसिटी और बिलो 10 इट इज ओपन डेंस फॉरेस्ट. गॉट इट. दिस इज ऑल अबाउट डेंस ऑफ फॉरेस्ट. गॉट इट. नाउ व्हाट इज योर आंसर. योर आंसर विल बी 40 to 60. That means medium dense forest should be preference should be give to preference for windbreak. Got it. Question number 59. Denser windbreak lead to क्या lead करती है. Add effect. What kind of blockage. Blocking effect. Add effect. करंट अफेक्ट और ड्रिफ्ट अफेक्ट. सो डेंस फॉरेस्ट जो होती है डेंस विंड ब्रेक होती है दैट मीन्स जो इसका क्राउन होता है वो बहुत ही डेंस होगा. डेंस होने की वजह से जो फ्लो ऑफ विंड होती है ये विंड का जो वेलोसिटी होता है उसको और भी डिक्रीज करेगी और भी कम कर देगा. जो टाइम्स की अगर हम बात करें कितने टाइम डिक्रीज करती है अराउंड 10 to 25 टाइम्स डिक्रीज करती है विंड वेलोसिटी को. तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा इफेक्ट होता है. एडी इफेक्ट्स डॉट ब्लॉकिंग एडी इफेक्ट्स उसको स्लो कर देगा. ठीक है. So your answer will be second. Just a minute. Let me clear first all the. मैंने सभी को कर दिया है. चलिए. So your answer will be second. Eddy effects. Denser wind break would be eddy effects. Eddy effects. Got it. Come to the next question. On the windward side, wind break offer protection. अप टू सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है. सो प्रोटेक्शन अप टू प्रोटेक्शन करती है टाइम्स ऑफ द हाइट की बात करें. विच वर्ड साइड. विंड वर्ड साइड. दिस इज नॉट ली वर्ड साइड. कंसिडर टू डू द क्वेश्चन. दिस इज कॉल्ड ली विंड वर्ड साइड. देखिए प्लांट दो टाइप के साइड्स होते हैं. वन इज विंड वर्ड साइड और सेकेंड वन इज ली वर्ड साइड. विंड वर्ड साइड और ली वर्ड साइड. हे यू कैन सी विंड वर्ड साइड. दैट मीन्स अगर मान लीजिए यहाँ पे दिस वन इज द वेस्ट डायरेक्शन दैट इज ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन एंड इट्स साउथ डायरेक्शन. हे आपने यहाँ पे प्लांट्स लगाए विंड ब्रेक के लिए. क्या लगाया आपने.
प्लांट्स लगाए, विंड ब्रेक के लिए क्या लगाए, प्लांट्स लगाए। तो अब देखिए दो चीज यहाँ पे क्लियर होती हैं, वो कौन कौन सी, अगर वेस्ट डायरेक्शन से गर्म हवाएं चल रही हैं, सो दिस इज कॉल्ड, जिस डायरेक्शन से एयर आ रही हैं, जिस डायरेक्शन से एयर कम जो आ रही है उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, लीवर्ड डायरेक्शन, सॉरी विंडवर्ड डायरेक्शन। इस डायरेक्शन क्या बोलते हैं, विंडवर्ड डायरेक्शन। और ये इफेक्टिव होती है 5 to 5% या ये 2 to 5 times, सॉरी नॉट परसेंट, 5 times डिक्रीज कर देती है। यहाँ पे जो भी क्रॉप्स या यहाँ पे अगर हाउस होल्ड है तो ये डिक्रीज कितनी हो जाएगी, 5 times डिक्रीज हो जाएगी। और इस डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन में हवाएं जा रही हैं, विच इज कॉल्ड लीवर्ड डायरेक्शन, विच इज कॉल्ड लीवर्ड डायरेक्शन, लीवर्ड डायरेक्शन। और हियर विल बी द इफेक्टिवनेस ऑफ इफेक्टिव और प्रोटेक्शन 25%, 25 times, हियर विल बी 25 times, गॉट इट, यस। चलिए बाद करते हैं नेक्स्ट की, टर्म्स टोंग्या वॉज कॉइंड, टोंग्या वॉज कॉइंड, टर्म टोंग्या वॉज कॉइंड बाई अपन हेले, टोंग्या वॉज टर्न बाई अपन हेले, सो योर आंसर विल बी सेकेंड, योर आंसर विल बी सेकेंड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी सिली क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। काजरी इज लोकेटेड इन जबलपुर, झांसी, जोधपुर और जयपुर, सो एवरी वन नो वेयर इज काजरी लोकेटेड। आई थिंक दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, काजरी इज लोकेटेड इन जोधपुर, गॉट इट, काजरी जोधपुर। देखिए काजरी रिलेवेंट है किससे, डेजर्ट एरिया से रिलेवेंट, डेजर्ट एरियाज को कम करने के लिए, है ना। तो इसके लिए कहाँ पे होगा डेजर्ट एरिया, कहाँ पे होगा, जोधपुर में होगा, दैट्स वाई काजरी इज लोकेटेड इन जोधपुर। फुल फॉर्म की अगर बात करें, सेंट्रल रिसर्च ऑन एरिड जोन, सेंट्रल रिसर्च ऑन एरिड जोन। क्वेश्चन नंबर 63, ड्यूरिंग विच 5 years प्लांट्स साइंटिफिक एग्रोफॉरेस्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया, ड्यूरिंग विच 5 year प्लांट्स, इट इज दिस इज आस्किंग अबाउट विच 5 year प्लांट्स, सो हियर 7 5 year प्लांट्स, विच 5 year प्लांट्स, 7 5 year प्लांट्स। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज ए, वॉट इज, वॉट्स योर आंसर, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नॉट कल्टिवेशन, प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज ए कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर और इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर और नन ऑफ दीज। देखिए शिफ्टिंग अगर शिफ्टिंग की बात करें तो कॉमर्शियल तो नहीं होता, क्यों, क्योंकि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में सम टाइम में एक लैंड पे कल्टीवेशन किया जाता है 5 year 4 year 5 year, जब उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है उस लैंड में, पर्टिकुलर प्लेस में, उसके बाद में दूसरी लैंड पे मूव ऑन कर किया जाता है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले लैंड में जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, क्रॉप प्रोडक्शन लेने की वजह से न्यूट्रिशन की कमी होगी, तो कमी होने से नेक्स्ट जो लैंड होगा उस पे मूव किया जाएगा और एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रोविंग की जाएगी। तो ये कॉमर्शियल तो नहीं हो सकता क्योंकि एक को छोड़ा और दूसरे पे चले गए, लेकिन ये अपने उसके लिए जीवन निर्वाह के लिए, लाइवलीहुड के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो यहाँ पे क्या होगा, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, सो एसिप्टिंग एग्रीकल्चर इज ए सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, सो योर आंसर विल बी सेकेंड, वॉट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी सेकेंड। Just a minute.
सॉरी, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 65. लेट मी चेक अगेन व्हाट्स गोइंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 65. इन एग्रोफोरेस्ट्री रिसर्च विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर इम्पॉर्टेंट. एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम की बात की जा रही है, एग्रोफोरेस्ट्री रिसर्च की बात की जा रही है. सो विच वन ऑफ पैरामीटर आर इम्पॉर्टेंट. ट्री डेंसिटी, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू ट्री डेंसिटी वी ऑलवेज सेलेक्ट क्रॉप, विच क्रॉप इज बेस्ट और विच क्रॉप इज सुटेबल फॉर पर्टिकुलर दिस काइंड ऑफ सिस्टम. ओके, एंड ट्री रेक्टेंगुलरिटी, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. गॉट इट. ऑन ट्री अरेंजमेंट, हाउ टू अरेंज रेक्टेंगुलर और डिस्टेंस बिटवीन ट्री टू ट्री, स्पेस बिटवीन रो टू रो और ट्री टू ट्री, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो ट्री अरेंजमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो योर आंसर विल बी फोर्थ. योर आंसर विल बी फोर्थ. ओके, गॉट इट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. एग्रोफोरेस्ट्री एक्सपेरिमेंट इन एग्रोफोरेस्ट्री एक्सपेरिमेंट व्हेन द नंबर ऑफ प्लॉट इन ईच ब्लॉक इज लेस देन दैट द टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट. द नंबर ऑफ प्लॉट इज लेस देन दैट द टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट. वॉट डिजाइन कैन बी यूज. सो यहाँ पे डायग्नोज और डिजाइन वाले पार्ट्स की में थोड़ा सोच कर देखिए. डायग्नोज और डिजाइन वाले में से जब एग्रोफॉरेस्ट्री के लिए डायग्नोज और डिजाइन यूज करते हैं तो कितने प्लॉट्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाता है. हाउ टू मैनेज, हाउ मैनी प्लांट्स ट्री स्पेसिस शुड बी टेकन फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम, दिस काइंड ऑफ एग्रोफॉरेस्ट सिस्टम व्हाट्सएप. ओके, सो लेटिस डिजाइन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट लेस देन दैट, किससे जो ट्रीट किए गए प्लॉट से भी लेस देन की बात की जा रही है यहाँ पे. सो फर्स्ट वन इज लेटिस डिजाइन, ऑल्सो राइट. अल्फा डिजाइन ऑल्सो राइट. एंड कन्फाउंडेड डिजाइन इज ऑल्सो राइट. सो योर आंसर विल बी फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 67. इन ऑर्डर टू कंपेयर डिफरेंट एमपीटीएस विच डिजाइन कैन बी यूज. सो यहाँ पे डिजाइन की बात करिए अगेन. इन ऑर्डर टू कंपेयर डिफरेंट एमपीटी मल्टीपर्पज ट्री स्पेसीज, यहाँ पे मल्टी एम, व्हाट इज द मीन ऑफ एमपीटीएस मल्टीपर्पज ट्री स्पेसीज. इन ऑर्डर टू कंपेयर डिफरेंट मल्टीपर्पज ट्री स्पेसीज विच डिजाइन कैन बी यूज, कौन से डिजाइन को यूज किया जाता है. लेटिस डिजाइन, विच काइंड ऑफ डिजाइन, लेटिस डिजाइन, योर आंसर विल बी फर्स्ट. सो इन ऑर्डर टू कंपेयर डिफरेंट मल्टी कंपेयर, जैसे मान लीजिए सम प्लांट स्पेसीज फॉर फ्यूल, फोडर, फॉर एस्थेटिक, फॉर मेडिसिनल पर्पज, एंड सम प्लांटेशन आर फॉर टिम्बर एंड फोडर. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पज वी कैन सेलेक्ट द डिजाइन. सो फॉर दिस काइंड ऑफ पर्पज लेटिस डिजाइन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 68. स्माइल डिजाइन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्री क्रॉप्स इंटरफेस इज कॉल्ड स्माइल डिजाइन. दिस इज नॉट स्माइल डिजाइन, दिस इज कॉल्ड सिंपल डिजाइन. यहाँ पे फिर से टाइपिस्ट ने गलत कर दिया है. जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब पता चलता है ये स्माइल डिजाइन नहीं होता. यहाँ पे कोई स्माइल काइंड ऑफ डिजाइन नहीं होता है. दिस इज काइंड ऑफ सिंपल डिजाइन. एम की जगह ये पी हो जाएगा. गॉट इट. सिंपल डिजाइन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्री क्रॉप इंटरफेरेंस इज, सो व्हाट इज योर आंसर. पैरेलल रो ऑफ ट्री एंड क्रॉप, कॉन्सेंट्रिक रो फॉर क्रॉप एंड राउंड सिंगल ट्री स्पेसीज फर्स्ट एंड वो. सो योर आंसर विल बी थर्ड. योर आंसर विल बी थर्ड. दैट मीन्स पैरेलल रो ऑफ ट्री एंड क्रॉप,
ट्री और क्रॉप का पैरेलल रो होना चाहिए। सिंपल डिजाइन की अगर बात करें बिल्कुल पैरेलल रो होना चाहिए। अगर पैरेलल रो होगा तो उसमें प्रॉपर लाइटिंग ही प्रोवाइड होगा, शेडो प्रोवाइड नहीं होगा, न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोवाइड होगा, वाटर जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी प्रॉपर वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इरीगेशन प्रॉपर नहीं होगा। कॉन्सेंट्रिक रो ऑफ क्रॉप अराउंड ए सिंगल ट्री, गॉट इट? यस। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द स्पेसिंग फॉलोइंग फोडर बैंक? फोडर बैंक, ये फोडर बैंक क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ फोडर बैंक? सो फोडर बैंक, सो ऑल दोज स्पीसीज बाई वॉच वी कैन गेट फोडर मोस्टली फॉर कैटल्स, सो दीज आर कॉल्ड फोडर बैंक। जो स्पीसीज फोडर पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं फॉर कैटल्स के लिए, उसको क्या कहा जाता है? फोडर बैंक। और फोडर जो ट्रीज होते हैं जिनका फोडर पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, आई मीन्स दे हैव हायर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फोडर बैंक। सो स्पेसिंग फॉर फोडर बैंक 1 मीटर टू 1 मीटर, 1:1 मीटर, गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 70, इन मोस्ट सर्कमस्टेंस द फर्स्ट हार्वेस्टिंग फोडर बैंक शुड बी डिलेड अंटिल द बैंक इज, सबसे फर्स्ट जो हार्वेस्टिंग होती है फॉर फोडर बैंक, दैट मीन्स फॉर फोडर फॉर कैटल्स के लिए अगर फोडर को कट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो फर्स्ट जो हार्वेस्टिंग होती है डिले करनी चाहिए हमें एटलीस्ट कब तक? 9 to 21 मंथ तक, मतलब 9 मंथ से 20 मंथ तक उसमें से फोडर नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि प्रॉपर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज प्रॉपर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स वाई वी डू नॉट नीड टू कट द ब्रांचेस बिफोर 21 मंथ्स, गॉट इट? सो योर आंसर विल बी सेकेंड, गॉट इट? The recuperant periods in fodder banks should be dash time of grazing periods. So 2, 3, 4 and 5. So your answers should be 3. Your answer should be 3 times. It should be 3 times. The recuperant period of fodder banks should be 3 times of grazing period. मतलब एक कितने टाइम्स उसमें से हम ले सकते हैं, अगर वन ईयर की बात करें तो 3 times उसमें ग्रेजिंग पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं 3 time rounds में, ठीक है? कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कटिंग फ्रिक्वेंसीज इन फोडर बैंक्स इज, मोस्ट कॉमन कटिंग फ्रिक्वेंसीज इन फोडर इज 6 to 8 months, 6 to 18 months, 10 to 12 months एंड 12 to 16 months। सो व्हाट्स योर आंसर? गिव मी फास्ट, what's your answer? Yes, so your answer will be second, 6 to 18 weeks, 6 to 18 weeks will be your answer, 6 to 18 weeks. बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एलेक्रॉपिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू हैसन सॉइल फर्टिलिटी रिस्टोरेशन, यस दिस इज राइट, एनहेंसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, दिस इज ऑल्सो राइट, एंड सो योर आंसर विल बी सेकेंड। बिकॉज अगर एलेक्रॉपिंग में क्या करते हैं, एनहेंस कर प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि टिम्बर प्लांटेशन के साथ साथ में हम क्या ले रहे हैं? सीरियल क्रॉप ले रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, सोइल फर्टिलिटी को भी हम क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं, वी आर प्रिजर्विंग, वी आर प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन ऑल्सो, गॉट इट? सो हेयर योर आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 74, which of the following species are suitable for alec croppings? So here you can see pictures, Lucenia, Sesbania or Gliricidia. This one is Lucenia A, this one is Lucenia, second one is Sesbania and third one is Gliricidia. So Gliricidia is also Gliricidia is also very important for soil fertility. ये nitrogen fixation का काम भी करता है, और as well अगर बात करें nitrogen fixation के अलावा तो ये soil wind erosion से और water erosion से soil को protect भी करता है,
गॉट इट. सो ऑल थ्री स्पीसीज आर इम्पोर्टेंट फॉर सुटेबल एलो क्रॉपिंग के लिए, क्योंकि हमने एलो क्रॉपिंग में रो टू रो प्लांटेशन किया है. दूसरा, इनसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क भी होता है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एलो क्रॉपिंग. गॉट इट. फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट ड्यू टू नाइट्रोजन फिक्सेशन. गॉट इट. कम टू द नेक्स्ट, नेटिव ऑफ ल्यूसिनिया. ल्यूसिनिया का नेटिव कौन है, ल्यूसिनिया कौन सा प्लांट है, फर्स्ट ये देख सकते हैं आप. जैसे हम पहले भी बोलते कि हमें पंखे बनाया करते थे, हवा से उड़ने वाले पंखे बनाया करते थे, छोटे स्मॉल पंखे बनाया करते थे बचपन में थे, वो दूसरा प्लांट है. ये सिमिलरिटी है, वो दूसरा प्लांट था. तो यहाँ ये हम बात कर रहे हैं ल्यूसिनिया की, ल्यूसिनिया की बात कर रहे हैं. सो इसकी भी हम क्या बनाया करते थे, पंखे बनाया करते थे. सो नेटिव ऑफ ल्यूसिनिया विच इज मैक्सिको. और मैक्सिको किसका वो है, मेज का भी क्या है, मैक्सिको ही है. टोबेको भी क्या है, टोबेको का भी क्या है, मैक्सिको ही है नेटिव. गॉट इट. सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट. ए बुक एन इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री इज रिटन बाई पी जी जर्विस, पी के आर नेयर, एंटोनी यंग, ए पी द्विवेदी. सो हु इज़ द राइटर ऑफ ए इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री ऑफ सॉरी ए इंट्रोडक्शन टू एग्रोफॉरेस्ट्री विच वन इज पी के नेयर. पी के नेयर नहीं, और फादर ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री भी हम पी के नेयर को ही कहते हैं. गॉट इट. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2004, पीपल्स आर डिपेंडिंग ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2014, दिस इज अकॉर्डिंग टू 2004, हेयर 1.2 बिलियन पीपल्स आर डिपेंड्स ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री. गॉट इट. सो क्वेश्चन नंबर 78, ट्री क्रॉप मॉडलिंग अप्रोच डेवलप्ड बाय ICFOR इज ट्री क्रॉप मॉडलिंग. सो ट्री क्रॉप मॉडलिंग मींस एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम, ट्री इंक्लूडिंग क्रॉप. सो व्हाट इज द मीन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट सिस्टम विच वॉज डेवलप्ड बाय WANULCAS. These are forest system. These are agroforest system. So we can say CIFOR developed WANULCAS system, modeling system. Got it? Okay. Come to the next one. Allelopathy term was coined by allelopathy term Hans Mollis. ये question हमने पहले भी देख चुके हैं, पिछली बार भी ये question देखा था. I think. एलोपैथी टर्म वाज कॉइंड बाई हंस मॉलिस. एलोपैथी क्या होता है, देखिए जो प्लांट्स के द्वारा केमिकल रिड्यूस किए जाते हैं, जो इट में भी नेगेटिव इफेक्ट्स, इट में भी पॉजिटिव इफेक्ट्स, इट में भी हार्मफुल और बेनिफिशियल. गॉट इट. दोनों टाइप के जो केमिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं. सो एलोपैथी द टर्म कॉइंड बाई हंस और मॉलिस. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 80. सो सेल्टर बेल्ट, दिस इज डिफरेंट फॉर्म. सेल्टर बेल्ट सोयाबीन मॉडलिंग अप्रोच, सेल्टर बेल्ट एंड सोयाबीन मॉडलिंग अप्रोच SBELTS. सेल्टर बेल्ट SB और सोयाबीन ELTS. सोयाबीन्स के लिए ELTS. सेल्टर बेल्ट सोयाबीन अप्रोच मॉडलिंग अप्रोच की अगर बात करें तो SB सेल्टर बेल्ट से SB आप लोगों को याद रखना है. और अगर पिछले ही हमने किसके अकॉर्डिंग देखा था, CI के अकॉर्डिंग वेनुलकस देखा था. गॉट इट. सो क्वेश्चन नंबर 81, इज द सम रिलेटिवली इल्ड ऑफ कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट स्पीसीज सम ऑफ इल्ड. सो डैश इज द सम रिलेटिव इल्ड ऑफ द कंपोनेंट स्पीसीज. सो लीफ एरिया इंडेक्स, सो ई लीफ एरिया, वो लीफ एरिया रेशियो अलग होता है. सो LER इज द राइट आंसर. LER is the sum relative yield of the component species. Got it. Come to the next question. Allochemicals present in walnut. What kind of allochemicals present in walnut? Walnut अपन खाते ही हैं, उसमें से कौन सा allochemical आता है? Juglone. What a kind of name, Juglone. Allochemical is Juglone. Come to the
जगलोन किसमें? वेलनट में। अब आज से अगर जब वेलनट आप खाने लगे तो देख लेना उसमें कौन सा एलो केमिकल होता है, ठीक है, जो दूसरे प्लांट्स को भी, उसके जिन नियर बाई प्लांट्स होते हैं उनको हार्मफुल, उनके लिए हार्मफुल होता है, उनकी ग्रोथ को कम कर देता है, कौन सा? जगलोन। नेम इसका ऐसा ही है, जगलोन, जगलोन अजीब सा नेम है तो काम भी अजीब से ही होंगे। ओके, द एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम इज एडवांट एडवांटेजियस वैन LER इज ग्रेटर देन 1। एडवांटेज ऑलवेज, अगर हम एग्रोफॉरेस्ट्री की बात करें या ऑलवेज अगर हम किसकी बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, ऑलवेज फील्ड प्रोडक्शन की बात करें, तो LER ऑलवेज शुड बी मोर देन 1। LER ऑलवेज शुड बी मोर देन 1, इन दैट कंडीशन द प्रोडक्ट और द क्रॉप इज बेनिफिशियल। गॉट इट? एडवांटेजिनियस और बेनिफिशियल, सो योर आंसर विल बी 1। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 84, एरो एग्रोफॉरेस्ट्री, दिस इज नॉट एग्रोफॉरेस्ट्री फॉर सोयल मैनेजमेंट, इज ऑथर्ड बाई एग्रोफॉरेस्ट्री सोयल मैनेजमेंट। यहाँ पे फिर से टाइपिंग मिस्टेक है, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री, एग्रोफॉरेस्ट्री, एग्रोफॉरेस्ट्री फॉर सोयल मैनेजमेंट इज ऑथर्ड बाई, ऑथर्ड हु इज द ऑथर्ड? एंटोनी यंग, एंटोनी यंग। और हु इज द फादर ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री? एन के नियर्स, एंटोनी यंग, एंटोनी यंग। और एक सस्टेनेबल टू एक बुक था, एन इंट्रोडक्शन टू एग्रोफॉरेस्ट्री, बुक वॉज फ्रेम बाई पी के नेयर ने, और एंटोन यंग ने बुक, जो कौन सी बुक लिखी है? एग्रोफॉरेस्ट्री, एग्रोफॉरेस्ट्री फॉर सॉइल मैनेजमेंट, एग्रोफॉरेस्ट्री फॉर सॉइल मैनेजमेंट, एंटोन यंग। सो योर आंसर विल बी सेकेंड, लेट मी क्लियर फर्स्ट, सो योर आंसर विल बी सेकेंड। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 85, सोइल एक्सचेंज इन एग्रोफॉरेस्ट्री कैन बी सुटेड, कैन बी स्टडीड थ्रू, सोइल चेंजेस इन एग्रोफॉरेस्ट्री कैन बी स्टडीड थ्रू सोइल चेंजेस। ओके, सो सोइल चेंजेस कैन बी स्टडीड थ्रू SUAF। सो ये तीनों हमने जो स्पेसिफिक, ये तीनों ये मेथड्स जो डिस्कस कर लिए, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड किसके लिए है, किसके लिए है? सेल्टर बेल्ट के लिए और सोयाबीन सिस्टम के लिए। फर्स्ट हमने देखा CI के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया था, और थर्ड को अगर हम देखा, हमने देखा सोयल चेंजेस के लिए, तो S मीन सोयल और कन्वर्जेंस, सी का मतलब कन्वर्जेंस, सोयल चेंजेस के लिए, सोयल कन्वर्जेंस के लिए यूज़ किया जाता है या स्टडी की जाती है। सो SCUAFE यू विल बी योर आंसर। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 86, सोइल ऑर्गेनिक मैटर एंड एसोसिएटेड चेंजेस इन एग्रोफॉरेस्ट्री कैन बी स्टडीड थ्रू सोइल ऑर्गेनिक मैटर। सोइल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं लाइक लीटर्स और जो प्लांट्स के डिकम्पोज पार्ट होते हैं, तो उनके बेसिस की अगर हम बात करें, सोइल ऑर्गेनिक मैटर्स एंड एसोसिएटेड चेंजेस इन एग्रोफॉरेस्ट्री कैन बी स्टडीड थ्रू सेंचुरी। इसको किसके थ्रू स्टडी किया जाता है? सेंचुरी के अकॉर्डिंग इसको स्टडी किया, दिस इज नॉट ए काइंड ऑफ सेंचुरी, अगर इसका ये फुल फॉर्म अलग है, ठीक है, तो सेंचुरी के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है। सो सोइल ऑर्गेनिक की अगर बात करते हैं, यहाँ पे सोइल ऑर्गेनिक मैटर एसोसिएट चेंजेस की बात करें, देन इज सेंचुरी। सो वॉट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन आर मोस्ट प्रीफर्ड इन एग्रोफॉरेस्ट्री? वॉट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन बिटवीन क्रॉप से, इंट्रैक्शन बिटवीन क्रॉप एंड प्लांटेशन, इंट्रैक्शन बिटवीन प्लांट टू प्लांटेशन, एंड दिस इज कॉल्ड इंट्रैक्ट, वी आर डिस्कसिंग ओनली इन अबाउट इंट्रैक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड क्रॉप्स, इंट्रैक्शन बिटवीन टिम्बर क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स एज वेल एपीकल्चर सिल्वीकल्चर। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे किसी को कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है ना, एडिशनल प्रॉफिट जिसको मिलता है, भैया ये मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिला है, कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, तो वैसे ही एग्रोफॉरेस्ट्री भी क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एस्पेक्ट है। गॉट इट? सो क्वेश्चन नंबर 88, द टर्म एलोपैथी इज ड्राइव फ्रॉम, टर्म जो एलोपैथी है किस लैंग्वेज से, किस लैंग्वेज से है? ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश। सो दिस इज एलोपैथी इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड, योर आंसर विल बी फर्स्ट। इन एग्रोफॉरेस्ट्री द प्रूनिंग ऑफ ट्री इज जनरली डन विद द हेल्प ऑफ, द एग्रोफॉरेस्ट्री प्रूनिंग इज मोस्टली डन विद द हेल्प ऑफ एक्स, नाइफ,
पॉल प्रूनर, तो यहाँ पे आंसर इजीली दे सकते हैं, प्रूनिंग की जाती है पॉल प्रूनर के थ्रू. सो योर आंसर विल बी फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 90, ए प्रोसेस इन विच क्राउन ऑफ द ट्री आर हार्वेस्टेड. क्राउन ऑफ द ट्री आर हार्वेस्टेड एट लीस्ट 2 मीटर. इसको याद रखिएगा, इट इज सेइंग अबाउट 2 मीटर. क्राउन ऑफ द ट्री आर हार्वेस्टेड एटलीस्ट 2 मीटर अबोव द ग्राउंड लेवल, 2 मीटर अबोव द ग्राउंड, बियॉन्ड द रिसर्च, बियॉन्ड द रीच ऑफ कैटल्स इन ऑर्डर टू गेट फ्लश ऑफ न्यू शूट्स, टू गेट न्यू शूट्स के लिए. और हाइट अगर मेंटेन की बात करें 2 मीटर्स. सो दिस इज कॉल्ड पोलार्डिंग, दिस इज कॉल्ड पोलार्डिंग. आगे आपको पिक्चर के साथ में भी देखने को मिलेगा. सो दिस इज कॉल्ड पोलार्डिंग. पोलार्डिंग में क्या किया जाता है, ये आपके पास में प्लांटेशन है, 2 मीटर हाइट हो गया, ये 2 मीटर हाइट से ऊपर इसको ऊपर से काट दिया जाता है, कंप्लीटली ब्रेक कर दिया जाता है. ब्रेक करने से यहाँ पे बहुत से ब्रांचेस निकल आती हैं, बहुत सी जो न्यू शूट्स निकल आते हैं, जिससे फोडर पर्पस को फुलफिल किया जा सकता है, फोडर पर्पस को फुलफिल किया जा सकता है. दिस इज कॉल्ड पोलार्डिंग. सो ऑप्टिमम हाइट टेकन इन पोलार्डिंग 2 मीटर. अभी ये हमने देखा है, ऑप्टिमम हाइट केप्ट इन पोलार्डिंग इज 2 मीटर. गॉट इट. पोलार्डिंग इज कैरिड आउट मोस्टली किस प्लांट में पोलार्डिंग की जाती है. देखिए, पोलार्डिंग के लिए स्पीसीज पॉपुलर नहीं है, क्योंकि पॉपुलर एक हार्ड स्टेम वाला ट्री होता है, यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेज नहीं निकलती हैं. सॉफ्ट जो स्टेम वाला ट्री होगा, वहाँ से हमें मल्टीपल ब्रांचेज देखने को मिलेंगी. सो फर्स्ट इज सेलिक्स एल्बा. सेलिक्स एल्बा जो है मल्टीपल ब्रांचेज प्रोड्यूस करता है, अगर इसके अपर पार्ट को काट दिया जाता है, इसकी जो मेन एक्सिस को काट दिया जाता है, तो ये मल्टीपल ब्रांचेज प्रोड्यूस. इसका नेचर कैसा होता है, मल्टीपल ब्रांचेज. यूकेलिप्टस भी हार्ड स्टेम होता है, टीक हार्ड स्टेम होता है, पॉपुलर हार्ड स्टेम होता है. तो आप लोगों को किस तरह आंसरिंग करना होता है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपको की पीसफुली बैठकर सोचना चाहिए कि इनमें से क्या हो सकता है. या फिर दूसरी चीज सिमिलरिटी वाले, देखिए पॉपुलर यूकेलिप्टस और टीक, यहाँ पे सिमिलरिटीज हैं तीनों में, अदर इसमें सेलिक्स एल्बा में सिमिलरिटी नहीं है. ठीक है, उनके हार्डपन में या इनके हाइट ग्रोथ की बात करें तो इनमें सिमिलरिटी नहीं है. दैट्स व्हाई यू हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट वन और डिफरेंट वन या ऑड वन. ओके, सो योर आंसर विल बी फर्स्ट. गॉट इट. पीरियड ऑफ लॉपिंग इन ग्रेविया अपोसिटी फोलिया इज जून जुलाई, नवंबर टू मार्च एंड अगस्त टू सेप्टेम्बर, नन ऑफ दिस. सो वॉट शुड बी योर आंसर. सो पीरियड ऑफ लॉपिंग, लॉपिंग में क्या किया जाता है, इसकी ब्रांचेस को काट दिया जाता है. वॉट इज द मीन ऑफ लॉपिंग. लॉपिंग में ये प्लांट है, इसके बाद में इसमें ये ब्रांचेज होगी, जो भी ब्रांचेज निकली हुई हैं. और डिफरेंस देखिए, हमने पोलार्डिंग की बात किया, तो पोलार्डिंग में क्या किया जाता है कि इसके कंप्लीट जो स्टेम को मेन एक्सिस को ही काट दिया जाता है, बट जो लॉपिंग होता है, लॉपिंग में इसकी मेन ब्रांचों को काट दिया जाता है, इसकी मेन ब्रांचों को काट दिया जाता है, यहाँ से फिर से न्यू ब्रांचेज ग्रो करने लगती हैं, फिर आगे जो ग्रोथ करने के बाद न्यू ब्रांचेज को काट दिया जाता है, इससे और भी ब्रांचेज निकलेंगी, फिर इससे और ब्रांचेज निकलेंगी, फिर इससे और ब्रांचेज निकलेंगी. दिस इज काइंड ऑफ लॉपिंग. गॉट इट. सो इट इज ऑलवेज बीइंग डन इन नवंबर टू मार्च एट द टाइम ऑफ न्यू ग्रोथ. गॉट इट. सो योर आंसर वुड बी सेकेंड. गॉट इट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 94. कटिंग बैक ट्री स्टेम्स नियर ग्राउंड फॉर ऑब्टेनिंग न्यू हेल्थी शूट्स एंड हार्वेस्टिंग इज नोन एज शूट एंड हार्वेस्टिंग. Cutting back tree stem near ground for obtaining near healthy shoots and harvesting tree is known as. क्या किया जाता है, कटिंग बैक ट्री स्टेम नियर ग्राउंड ऑब्टेनिंग न्यू हेल्थी शूट्स एंड हार्वेस्टी इज नॉन एज, क्या कहा जाता है इसको, क्या जाता है, क्रॉपिंग. इससे क्या किया जाता है, न्यू शूट्स निकाली जाती हैं, ब्रांच को काटकर नए प्लेस पे लगा दिया जाता है, या नई शूट्स निकलने के बाद में उसमें क्या किया जाता है, नया प्लांटिंग ऑब्टेन किया जाता है. गॉट इट. द मैनेजमेंट ऑफ बिलो ग्राउंड इंट्रैक्शन इन एग्रोफॉरेस्ट्री इज डन बाई. बिलो ग्राउंड इंट्रैक्शन इज कॉल्ड ट्रेंचिंग,
रूट प्रोनिंग और डीप प्लाविंग। ट्रेंचिंग इज ऑल्सो कार, ट्रेंचिंग में क्या किया जाता है, जो रूट सिस्टम होता है उसको लूज किया जाता है, उसको काट दिया जाता है, उसको प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ब्रॉड जो बढ़ने के लिए एक प्रॉपर वे दिया, तैयार किया जाता है। रूट प्रोनिंग, रूट्स को काट दिया जाता है, गॉट इट, रूट प्रोनिंग में रूट्स को काट दिया जाता है। डीप प्लाउनिंग ऑल्सो सोइल को लूज किया जाता है, दैट्स वाई द रूट ऑफ द प्लांट्स कैन बी ग्रो फॉर लॉन्ग एरियाज, गॉट इट। सो योर आंसर विल बी फोर्थ, योर आंसर विल बी फोर्थ, ओके। योर आंसर विल बी फोर्थ। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सैड मैनेजमेंट इन एग्रोफोरेस्ट्री कैन बी डन थ्रू, सैड मैनेजमेंट कैन बी थ्रू, सैड मैनेजमेंट की अगर बात करें, क्योंकि हमने बात किया था प्रूनिंग, प्रूनिंग में भी प्लांट्स के क्या किया जाता है, अनएडवांटेज जो अनवांटेड जो ब्रांचेज होती है उसको काट दिया जाता है प्रूनिंग में, लोपिंग में उसके ब्रांचेज को काट दिया जाता है, फिर मोर ब्रांचेज आती हैं, थिनिंग में भी ब्रांचेज एज वेल, जो एक्स्ट्रा जो ट्री होती है उसी को ही काट दिया जाता है, थिनिंग में क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा ट्री को भी काट दिया जाता है। तो यहां पे सैड मैनेजमेंट की बात की जा रही है, सो योर आंसर विल बी फोर्थ, योर आंसर विल बी फोर्थ। रूट बैरियर आर यूज इन एग्रोफोरेस्ट्री टू रिड्यूस, रूट बैरियर की बात करें तो आर यूज इन एग्रोफोरेस्ट्री टू रिड्यूस क्रॉप ग्रोथ, रूट इंट्रैक्शन, ट्री ग्रोथ एंड नन ऑफ दीज। देखिए रूट बैरियर की जहाँ बात की, रूट बैरियर को हटाने का मतलब होता है रूट को इंट्रैक्शन को कम करना, रूट के इंट्रैक्शन जो इंट्रैक्शन होता है, रूट इंट्रैक्शन को कम करने के लिए रूट बैरियर आर मोस्टली यूज। रूट रिलेवेंट है तो रूट बैरियर इंट्रैक्शन को कम करना, यहाँ पे फालतू में टाइम यूटिलाइज करने की आई होप जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। Got it. So rotation period of poplar in agroforestry system. Rotation period of agroforestry system. Rotation period of poplar in agroforestry system always 5 years. Rotation period की बात करें agroforestry system always 5 years. It should be always 5 year rotation periods. Okay. So और इससे पहले हमने देखा था rotation period की बात करें agroforestry system में, so always more than 1 year. It may be 4 year, but it अगर proper की बात करें या standard की बात करें तो standard 5 year के लिए आएगा, लेकिन at least more than 1 year होना चाहिए, 2 year, 3 year, 4 year, और standard की बात करें तो 5 year standard period होगा। क्वेश्चन नंबर 99, फेमस टिम्बर मार्केट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, फेमस टिम्बर मार्केट विच इज लोकेटेड इन दिल्ली, लोकेटेड इन नागपुर, त्रिशूर और यमुनानगर। सो टिम्बर मार्केट की बात करें तो टिम्बर मार्केट मोस्टली जो टिम्बर मार्केट यहाँ पे फेमस टिम्बर मार्केट की बात कर रहे हैं विच इज यमुनानगर, सो योर आंसर विल बी फोर्थ, यमुनानगर। सो योर आंसर विल बी फॉर फेमस टिम्बर, टिम्बर जो मार्केट बहुत से हैं, दिल्ली में भी है, लुधियाना में भी है, ठीक है, लेकिन जहाँ फेमस की बात करें वहाँ पे मल्टीपल काइंड ऑफ टिम्बर्स वहाँ पे देखने को मिलती है, कॉस्टली वाले जो टिम्बर्स वहाँ से यू कैन परचेज ऑल्सो, और वहाँ से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की अगर बात करें सो विच इज यमुनानगर, ओके। क्वेश्चन नंबर 100, प्लांटिंग ऑफ पॉपुलर इज डन बाय यूजिंग, प्लांटिंग ऑफ पॉपुलर इज डन बाय यूजिंग, सो योर आंसर विल शुड बी सीडलिंग, शुड बी व्हाट शुड बी सीडलिंग, व्हाट शुड बी सीड्स एंड ETPs, none of these. ETP मतलब entire transplanting, entire transplanting, ET full form of ETP, entire transplanting. Guys, my pen. Entire, got it. So your answer will be third. Your answer will be third. Sorry. Now ETP stand for entire transplanting, और पॉपुलर को अगर ट्रांसप्लांट की बात करें तो कौन किस टाइप का ट्रांसप्लांट होता है, यहाँ पे entire transplanting देखने को मिलता है, got it, okay, come to the next question. Question number 102, height of ETP used for popular planting, अगर हम height की बात करें mostly, तो height it will कितना height होना चाहिए, 1 meter, 3 meter, 6 meter या 2 meter, 1, 2, 3 or 6 meter, so what is your answer, please give me fast, so answer should be
आंसर शुड बी थर्ड, ओ सॉरी आंसर शुड बी 3 meter, आंसर शुड बी सेकेंड. सो हाइट ऑफ एंटायर ट्री प्लांटिंग यूज फॉर पॉपुलर इज 3 meter. तो 3 meter का हमें जो सीडलिंग जो लेते हैं वो 3 meter हाइट का होना चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए और प्रॉपर स्टेब्लिश के लिए, ठीक है. सो मोस्ट एक्सेप्टेड स्पेस फॉर पॉपुलर एग्रोफॉरेस्ट्री, मोस्ट एक्सेप्टेड स्पेसिंग ऑफ पॉपुलर एग्रोफॉरेस्ट्री इज 4:5 or 5:4. ये क्वेश्चन हमने मल्टीपल देखा है तो इस पर ज़्यादा कंसिडर नहीं करना चाहिए. ऑलवेज पॉपुलर की अगर बात करें और स्टैंडर्ड जो स्पेसिंग की बात करें तो 5:5 × 4 और 5:4 or 4:5, इट शुड बी 5:4. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 104, मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉपुलर इंडिया, मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन की बात करें सो वीट और विच इज ऑल्सो इन नॉर्थ इंडिया लाइक पंजाब हरियाणा एमपी और सम पार्ट ऑफ बिहार. तो मोस्टली पंजाब और हरियाणा के लिए वीट पॉपुलर के साथ में कौन सा क्रॉप किया जाता है वीट एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम में. सो योर आंसर विल बी सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 105, मोस्ट फेमस ट्रेडिशनल ऑफ एग्रोफॉरेस्ट सिस्टम इन राजस्थान. राजस्थान की बात करें टेक्टोना टेकोमेला एंडुलेटा, प्रोसोपिस साइनर एरिया, प्रोसोपिस जूली फ्लोरा और बेर. सो व्हाट इज बेस्ट और सूटेबल प्रोसोपिस साइनेरिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड मिरेकल ट्री ऑफ राजस्थान. प्रोसोपिस साइनेरिया इज खेजरी, इसको क्या कहा जाता है, खेजरी कहा जाता है, इन हिंदी नेम्स खेजरी. इट इज कॉल्ड खेजरी. सो मोस्ट फेमस ट्रेडिशनल ऑफ एग्रोफॉरेस्ट सिस्टम ऑफ राजस्थान इज खेजरी और हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ टेकोमेला अंडुलेटा. इसको सेम लाइक रोहिड़ा जिसको बोलते हैं हम, रोहिड़ा दिस इज ए फॉरेस्ट्री रोहिड़ा ट्री. सो रोहिड़ा ट्री भी यहाँ पे होता है लेकिन एग्रोफॉरेस्ट सिस्टम में इसको इंक्लूड नहीं करते. दिस इज फुल्ली एंड फाइनल अगर बात करें दिस इज नॉट सूटेबल फॉर टिम्बर पर्पज, फुल्ली एंड फाइबर टिम्बर पर्पज के लिए भी और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी. और एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम में सूटेबिलिटी की बात करें तो योर आंसर विल बी सेकेंड, प्रोसोपिस साइनर एरिया. गॉट इट. सो क्वेश्चन नंबर 106, क्लोन ऑफ पॉपुलर. पॉपुलर की अगर क्लोन की बात करें, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ क्लोन. देयर आर C3 क्लोन और सर देयर आर G3 क्लोन एंड G48. द कोड ऑफ क्लोन G3 एंड G48 बोथ. सो आंसर विल बी बोथ. गॉट इट. फर्स्ट वन इज G3 एंड सेकेंड वन इज G48. दीज आर द कॉड फॉर क्लोन इन पॉपुलर. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 107, आइडल फर्टिलाइजर ट्री. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वी हैव डिस्कस मल्टीपल टाइम. ओके, सो फेबेरिया एल्बिडा दिस इज द पिक्चर ऑफ फेबेरिया एल्बिडा. और राजस्थान में बात करें तो इसको रूंज कहा जाता है. इसको क्या कहा जाता है, रूंज कहा जाता है. दिस इज ए आइडल फर्टिलाइजर. गॉट इट. एंड नाउ सेकेंड पिक्चर यू कैन सी एलनस नेपालेंसिस द पिक्चर ऑफ एलनस नेपालेंसिस प्लांट्स. सी एलनस नेपालेंसिस, यू कैन सी एलनस नेपालेंसिस. प्रोसोपिस साइनर एरिया खेजरी होता है, एकेसिया निलोटिका बबूल होता है. तो इस सब पिक्चर्स को हमें मेंशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है. आप लोगों को बोटनिकल नेम बार बार ही मैं रिवाइज करवाते जा रहा हूँ तो आई होप आपको लॉन्ग टाइम के लिए ये भी भूलेंगे नहीं, रिवाइज होता रहेगा. क्वेश्चन नंबर 108, डिस्कवरी ऑफ टोंगिया इन बर्मा. ये क्वेश्चन भी हमने बार बार डिस्कस किया है. ब्रांडिस बर्मा, डिस्कवरी ऑफ टोंगिया सिस्टम इन बर्मा बाई ब्रांडिस. फर्स्ट टोंगिया प्लांटेशन वॉज इस्टेब्लिश बाई ब्रिटिश एम्पायर बाई यूजिंग टीक प्लांटेशन इन बर्मा बाय ब्रिटिश एम्पायर इन बर्मा. और द टर्म्स डिस्कवर बाई ब्रांडिस, टोंगासिस कल्टिवेशन डिस्कवर्ड बाई ब्रांडिस और फर्स्ट टीक वॉज फर्स्ट ट्री वॉज टीक. गॉट इट.
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रोफॉरेस्ट्री वॉज स्टैब्लिश इन 1977, और न्यू अगर नेम की बात करें नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन एग्रोफॉरेस्ट्री हो गया है इंटरनेशनल से, इंटरनेशनल से नहीं, वो झांसी वाला, जो झांसी की अगर हम बात करें तो ये भी कब हो गया है, झांसी की बात करें तो झांसी में लोकेटेड है ये, कब इस्टेब्लिश किया गया था 1977 में, नेशनल काउंसिल का भी क्या हो गया है, नेशनल हो गया है, नेम चेंज की अगर हम बात कर रहे हैं। डैश इज रिस्पॉन्सिबल, योर आंसर विल बी बी, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ICERAF इन 1977, सो योर आंसर विल बी फर्स्ट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर ऑफ कैनेडा, इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैनेडा, ये कहाँ पे है, कैनेडा में। चलिए बात करते हैं विंड ब्रेक की, विंड ब्रेक एंड सेंटर बेल्ट आर क्लासिफाइड अंडर स्ट्रक्चर, फंक्शनल, सोशियो इकोनॉमिक्स एंड इकोलॉजिकल। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें विंड ब्रेक और सेंटर बेल्ट की, तो यहाँ पे फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, एक विंड वेलोसिटी को कम करता है, सेकंड विंड वेलोसिटी को कम करने के साथ में वाटर इरोजन एंड सोइल इरोजन को कंट्रोल करता है, बट अगर विंड ब्रेक की बात करें तो विंड इरोजन को कम करता है, ओनली एंड ओनली विंड इरोजन को डिक्रीज करता है, और दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फुली डेडिकेटेड टू विंड इरोजन, बट सेंटर बेल्ट इज फुली डेडिकेटेड टू प्रोटेक्शन द हाउस, प्रोटेक्शन द फील्ड, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर इरोजन, विंड इरोजन एक्सेट्रा, देर आर मल्टीपल और मल्टीपल ऑफ यूजेस, सो दिस इज डिफरेंसेस एंड क्लासिफिकेशन अंडर फंक्शनल डिफरेंसेस, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 103, द टर्म रेफर टू द फार्मिंग्स और एग्रीकल्चर सिस्टम इन विच लैंड अंडर नेचुरल वेजिटेशन इस क्लियर, जो वेजिटेशन होती है उसको काट दिया जाता है, लैंड को क्लियर कर दिया जाता है, क्रॉप्ड एंड एग्रीकल्चर क्रॉप फॉर फ्यू ईयर्स, फॉर फ्यू ईयर मीन 4 to 5 years के लिए एग्रीकल्चर क्रॉप की जाती है, देन लेफ्ट अनटेंडेड वाइल्स द नेचुरल वेजिटेशन रीजनरेशन, फॉर इसको वैसे ही वापस रोक दिया जाता है, ये किस कैटेगरी में आता है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन में, प्लांटेशन को काट दिया जाता है, उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की जाती है 4 to 5 years, उसके बाद में उस लैंड को छोड़ दिया जाता है और फिर नेक्स्ट लैंड पे मूव किया जाता है, ये किस कैटेगरी में आती है, इसी ये डेफिनेशन है शिफ्टिंग कल्टिवेशन की, गॉट इट, दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन, और योर आंसर विल बी सेकेंड, योर आंसर विल बी सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 114, टोंगा इज मॉडिफाइड फॉर जर्मन सिस्टम, जर्मन सिस्टम के लिए वेलफेल्ड बाउ, टोंगा किसके लिए है, वेलफेल्ड बाउ। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाइल शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज सिक्वेंशियल सिस्टम फॉर ग्रोविंग वुडी स्पेसीज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स वेयर एज टोंगा इज साइमल्टेनियसली, टोंगा में क्या किया जाता है, लगातार क्रॉपिंग की जाती है, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन में अगर बात करें सिक्वेंशियल सिस्टम को ग्रो किया जाता है, वुडी स्पेसीज को इसके बाद में कट कर दिया जाता है और एग्रीकल्चर क्रॉप की जाती है, वहीं पे टोंगा सिस्टम में लगातार क्रॉप की जाती है, मतलब 5 to 6 years तक क्रॉप की जाती है, लेकिन दोनों चीज़ रखी जाती है साइमल्टेनियसली, मतलब प्लांट भी रखे जाते हैं और प्लांट के बीच में जो रो, प्लांट टू प्लांट जो रो होती है और ट्री, इसके बाद ट्री टू ट्री जो स्पेसिंग के बीच में क्रॉप कल्टीवेशन किया जाता है, दैट मीन्स साइमल्टेनियसली लगातार प्लांट और कंटिन्यूअसली क्रॉप कल्टीवेशन किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन नंबर 116, होम गार्डन आर द पार्ट ऑफ, होम गार्डन किसका पार्ट है, एग्रीसिल्वीकल्चर, सिल्वी पास्चर, एग्रो सिल्वी पास्चरल, सो एग्रीकल्चर, होम गार्डन में एग्रीकल्चर भी होता है, होम गार्डन में एनिमल्स को भी रखा जाता है और होम गार्डन में ट्री प्लांटेशन को भी रखा जाता है, सो होम गार्डन इज ए पार्ट ऑफ एग्री सिल्वी पास्चरल, गॉट इट, एग्रो सिल्वी पास्चरल और एग्री सिल्वी पास्चरल। होम गार्डन कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन, वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन दैट मीन्स कितनी हाइट के प्लांटेशन को रखा जाना, कितने टाइप के हाइट को प्लांटेशन को रखा जाना चाहिए, सो देयर ऑलवेज फोर हाइट प्लांटेशन रखा जाना चाहिए, यू कैन सी फर्स्ट हर्ब्स ओके, और ये क्रॉप्स भी हो सकती हैं इसमें, सेकेंड की बात करें सब्स वाले प्लांटेशन, ये ऑलवेज अगर बात करें तो
5 to 10 सेंटीमीटर्स के होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड जो हाइट की बात, थर्ड हाइट की बात करें वो कितना हो सकता है, इस यहाँ पे थर्ड हाइट अराउंड 13 मोर देन 13 सॉरी मोर देन ट्वेल्व मीटर होना चाहिए। और फोर्थ जो हाइट की बात करें इसमें ट्री प्लांटेशन आई होंगी वो मोर देन 15 मीटर के होने चाहिए। ठीक है, तो यह शुड बी फॉर वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन। वर्टिकल मतलब इसका वर्टिकल हाइट कितने, जो हाइट में जो प्लांट रखते हैं कितने हाइट वाले रखने चाहिए। मल्टीपल हाइट्स की बात करें, मल्टी स्टोरीड की बात करें तो फॉर मल्टी स्टोरीड प्लांट्स शुड बी प्रीफर। सो योर आंसर विल बी सेकेंड। हियर लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, लास्ट स्लाइड बट नॉट लीस्ट, आई थिंक दिस इज लास्ट स्लाइड। साइंटिफिक नेम ऑफ रबर, फाइकस इलास्टिका विद पिक्चर आप देख सकते हैं। रबर का साइंटिफिक नेम फाइकस इलास्टिका, इज इट साइंटिफिक नेम ऑफ रबर। सेकंड हेविया ब्रेसिलिनेसी, फोर्थ वन इज होपिया ब्रेसिलिनेसी और फोर्थ वन इज फाइकस इंडिका। फाइकस इंडिका, फाइकस इंडिका आपने बरगद देखा होगा, बरगद का पेड़, जो इंडियन बरगद की बात कर रहे हैं। एक होता है फाइकस इलास्टिका, वो भी बरगद ही होता है लेकिन छोटा होता है उसके कंपैरिजन में, एक बहुत बड़ा बरगद होता है जिसको हम बोलते हैं पीपल, जिसको बोला जाए नॉट पीपल, उसको भी पीपल ही शायद कुछ कहते हैं, एक हाँ पीपल ही कहते हैं। तो दो आते हैं इसमें, फाइकस इलास्टिका ये भी बरगद होता है, ये इसकी जो ब्रॉड जो होती है कैनोपी होती है वो कम कवर करती है एरिया, वहीं पे फाइकस इंडिका की जो कैनोपी होती है, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं डी एंड दिस वन इज सी एंड दैट वन इज बी एंड दिस वन इज ए। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे बरगद है जिसको हम ये बोल सकते हैं पीपल का जो पेड़ होता है, समथिंग लाइक पीपल का जो पेड़ पे होता है, पीपल ही जिसको बोलते हैं आप, पीपल या पीपल वॉट एवर। ठीक है, सो फाइकस इलास्टिका, और जो बड़ा जो बरगद होता है उसको फाइकस इंडिका कहते हैं। ठीक है, अंजीर जो आती है अंजीर भी फाइकस स्पीसीज की आती है। इसके बाद में बात करते हैं, आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं जो रबड़ होता है ये किस, जो इसका बॉटनिकल नाम साइंटिफिक नाम क्या होगा, हेविया ब्रेसिलियन सिस, हेविया ब्रेसिलियनसिस साइलियनसिस इसको कहा जाता है। थर्ड अगर बात करें होपिया ब्रेसिलियनसिस अगर बात करें तो यहाँ पे इसमें से ये जो ट्री स्पीसीज होता है कॉमन ट्री स्पीसीज होता है, इससे ज़्यादा हाइट भी नहीं होती और इसे कम मात्रा में जो बोलते हैं क्या निकलेगा, कम जो क्वांटिटी में इसमें से रबर प्राप्त किया जाता है। बहुत रेयर क्वालिटी जो होती है, लेकिन हाई क्वालिटी और जो रबर प्लांटेशन की बात करें मोस्ट ऑफ द ट्री प्लांटेशन में, विच इज़ होपिया ब्रेसिलिनेसिस। सेकंड वन, सेकंड क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ लाइव फेंसिंग स्पेसीज इन एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम। देखिए यहाँ पे लाइव फेंसिंग की अगर हम बात करें, जिसको बाउंड्री के, जिसको हैज पर्पज से या सर्ब्स या हर्ब्स पर्पज से लगाया जाता है, सो विद पिक्चर विद बॉटनिकल नेम आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज लोसोनिया इनरमिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड मेहंदी। इसको क्या कहा जाता है, मेहंदी रंगलाई। अब देखिए ज़्यादा हो जाएगा ना मेहंदी, अरे यार मुझे आई थिंक जल्दी पेन की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट वन आप देख सकते हैं मेहंदी वाला जो प्लांट है, कौन सा प्लांट है, मेहंदी प्लांट। फर्स्ट वन मेहंदी और साइंटिफिक नेम ऑफ मेहंदी लोसोनिया इनरमिस। लोसोनिया, देखिए लोसोनिया, लोस कौन होते हैं, ससुराल या मतलब ससुराल वाले लोस होते हैं। जब ससुराल जाते हैं तो क्या लगाया जाता है, मेहंदी। मेहंदी कौन लगाती है, सोनिया जब ससुराल जाती है तो मेहंदी लगाती है। क्या लगाती है, सोनिया जब ससुराल जाती है तो मेहंदी लगाती है। एग्जैक्टली इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, लोसोनिया इनरमिस इज ए बॉटनिकल नेम और साइंटिफिक नेम ऑफ मेहंदी। सेकेंड वन कैक्टस, कैक्टस प्लांट आप देख ही रहे हैं कोई किस टाइप का, ये एस्थेटिक प्लांट भी है कैक्टस, आप देख सकते हैं इसमें जो हम लगाते हैं प्लांट्स घर में भी सीनरीज के लिए लगाते हैं। सेकेंड वन की बात करें दिस वन इज द कैक्टस और थर्ड वन इज द कैरोंदा। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कैरोंदा, एवरी वन नो द पिक्चर ऑफ कैरोंदा, गॉट इट। सो ऑल ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ द अबो आर एग्जाम्पल ऑफ लाइव फेंसिंग, गॉट इट। सो लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, दिस इज द लास्ट लाइन, ओके। एग्जाम्पल ऑफ फास्ट ग्रोविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग और नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री स्पेसीज एफ सी एंड एफ टीज आर
here first one is, here also I mentioned with picture, you can see, you can remember it, erythrina. The first one is erythrina, this one is erythrina. इरिथिनिया, ये आप प्लांट्स देख सकते हैं, इसमें रेड कलर का फ्लावर्स आते हैं इरिथिनिया में. इरिथिनिया में किस टाइप के फ्लावर्स आते हैं, जो अर्थ किस टाइप का दिखने, इस टाइप के अगर जो प्लांट्स होते हैं, नीचे जो प्लांट के जो प्लांट होते हैं, इसके जो फ्लावर्स जब अर्थ पे गिरते हैं तो कंप्लीट अर्थ किस कलर की दिखती है, रेड कलर की दिखने लगती है. और ये कब होता है ऐसा, मानसून के टाइम पे, दैट मीन्स जून जुलाई में ये लीव्स पहले गिरा देते हैं, अप्रैल मई के मंथ में लीव्स गिरने लगती है, और मई जून में जो बारिश का टाइम होता है, मई जून में इसके फ्लावर्स गिरने लगते हैं. तो अर्थ के कैसे दिखने लगती है, रेड कलर की अर्थ दिखने लगती है. तो यू कैन रिमेंबर इट ऑल्सो लाइक इट अर्थिनिया, एरिथिनिया. सेकेंड वन इज ग्लेरिसीडिया. ग्लेरिसीडिया हमने पहले भी देखा था, दिस वन इज ग्लेरिसीडिया, दिस वन इज ग्लेरिसीडिया, ओके. एंड सेस्पेनिया, दिस वन इज सेस्पेनिया. सेस्पेनिया को हम किसके लिए यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में जो अगर बात करें ग्रीन ग्रीन कंपोस्ट के लिए भी, ये कह सकते हैं ग्रीन मैन्योरिंग के लिए भी सेस्बेनिया रोस्टेडा, सेस्बेनिया सेस्बा, इसको यूज़ किया जाता है. तो सेस्बेनिया की पिक्चर्स आप देख सकते हैं, इसको ग्रो करने के बाद में हैरोइंग करवा दी जाती है, प्लाविंग करवा दी जाती है, और हैरो के थ्रू उसको कट करवाया जाता है, और सोइल में मिक्स करवाने के बाद में विद इन वन मंथ में क्या होता है, डिकम्पोस्ट होकर उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने लगता है. ठीक है, तो ये हमारा हुआ लेक्चर फिनिश. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट कनेक्टेड कम रहते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट्री स्टूडेंट ही कम होते हैं, बाकी जितने भी हैं आप लोगों ने एंजॉय किया. तो इस सेशन को, जो वीडियो है, इसको दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जो फॉरेस्ट्री के लिए, जो फॉरेस्ट्री स्टूडेंट हैं, एस्पायरेंट्स हैं, बाकी आप वीडियो को लाइक तो करेंगे ही करेंगे. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय.